बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सबको मेरा दुआओं भरा सलाम पहुँचे। आप सब कैसे हैं? मेरी अल्लाह ताला से यही दुआ है कि आप जहाँ रहें शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकत दे और खानों में जायका दे, इलाही आमीन। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके सामने दो तरह की चटनियाँ और एक दही बड़ा मसाला बनाने जा रही हूँ। आई होप कि आपको पसंद आएगा। और ये मैं जो चटनी बना रही हूँ इमली की, इसके लिए मैंने 150 ग्राम मैंने इमली ली है, 1 टीस्पून लाल सूर्ख मिर्च ली है, 5 टेबलस्पून ब्राउन शुगर ली है, 1 टीस्पून मैंने काला नमक लिया है और 1/2 टीस्पून मैंने नमक लिया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए व्यूअर्स, ये मैंने इमली को 1 घंटा पहले भिगो दिया था। अभी मैंने इसको स्टैंड से छान के ना इसकी तमाम जो थी सीड्स वो अलग कर दिए और इस तरह मैंने इसका पल्प निकाल लिया था। तो आप लोग भी 1 घंटे पहले भिगो दिएगा और इसका पल्प निकाल लिएगा छान के। व्यूअर्स, ये देखिए में हम इमली डाल देंगे और साथ ही हम ये इमली डाल के पल्प हम तमाम मसाले एक साथ ही शामिल कर देंगे। ये शुगर, मिर्चें, नमक, हम हर चीज़ साथ शामिल कर देंगे और इसमें हम थोड़ा एक प्याली के करीब पानी डालेंगे और फिर इसको हल्की आंच पे आधा घंटा पकने देंगे। इससे इस जितना ज़्यादा पकेगी ना इतनी ज़्यादा ही मज़ेदार बनती है ये चटनी। और आप देखें इसका टेक्सचर, इसमें पानी डलेगा और उसके बाद आप इसको हल्की आंच पे छोड़ दीजिए पकने के लिए। ये देखिए व्यूअर्स, ये हमारी चटनी जो है बस ये तैयार हो चुकी है। और ये देखिए, ये इतनी गाढ़ी होगी ये, और ये जब ठंडी होगी तो उसके बाद भी ना इसका टेक्सचर जो है थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, यानी कि थिक हो जाता है। तो बस इस पॉइंट पे आपने ये चटनी उतार लेनी है। ये देखिए तैयार हो गई, माशाल्लाह बन के तैयार हो गई है। हमने ग्रीन चटनी के लिए 1 बंच हमने धनिया लिया है, 3 हमने लहसुन के जवे लिए हैं, 1/2 बंच हमने पुदीना लिया है, 5 हरी मिर्चें ली हैं, 1 टीस्पून हमने कुटी लाल मिर्च ली है और 1/2 या 1/4 टीस्पून हमने नमक लिया है काला, और 1 टीस्पून हमने नमक लिया है, और ये 2 टेबलस्पून इमली का पल्प लिया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने सब चीज़ें डाल दी और उसमें 1 प्याली पानी डाल के इसको पीस लिया। बस ये हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी। ये मैंने दही बड़े मसाले के लिए 30 अदद लाल साबुत मिर्चें ली है, 3 टेबलस्पून मैंने वाइट ज़ीरा लिया है सफ़ेद ज़ीरा, और 3 टेबलस्पून साबुत धनिया लिया है, 1 टेबलस्पून काला नमक लिया है और 1/2 टीस्पून नमक लिया है। और इसको मैंने पैन को तवे पर ब्राउन करेंगे लाइट सा। देखिए व्यूअर्स, इनका कलर चेंज हो गया और ये मैं थोड़ी सी और इसको थोड़ा और कलर आ गया, तो फिर मैं उतार के फिर इसमें धनिया और ज़ीरा को ब्राउन करती हूँ। इसको मैंने एक बूंद मैंने ऑयल स्पेशली टपकाया था कि इससे अच्छी तरह से मिर्ची अंदर तक फ्राई हो जाती है और इसका टेक्सचर बड़ा अच्छा आता है मसाले का इससे। तो ये देखिए हमारी मिर्ची हो गई है, हम इसे उतार लेते हैं। ये देखिए अब इसमें साबुत धनिया, थोड़ा सा इसको फ्राई करने के बाद इसमें ज़ीरा शामिल करके, और ज़ीरा भी बल्कि साथ ही शामिल कर देंगे। तो हम इसको थोड़ा सा ये ब्राउन होगा तो इसे उतार लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, ये तैयार हो गया, भून गया और मैं इसे उतार रही हूँ। नमक भी शामिल कर दीजिए और इसको ठंडा हो जाएगा तो हम इसको मिक्सी के जार में पीस लेंगे। देखिए व्यूअर्स, मैं इसमें जार में डाल के पीस रही हूँ और फिर पीस के आपको दिखाती हूँ मसाला। देखिए व्यूअर्स, माशाल्लाह से मेरी दोनों चटनियाँ और ये दही बड़ा मसाला चाट मसाला बनके तैयार हो गया। ये देखिए व्यूअर्स, ये मैंने जो चटनी बनाई है इसका टेक्सचर ये ऐसा होना चाहिए, इसलिए कि पकौड़ों के साथ समोसों के साथ बहुत मज़ेदार लगती है चटनी ना। और जो ये चटनी है इसका मैं आपको दिखा रही हूँ, इसका भी टेक्सचर इतना होना चाहिए। ये देखिए, ये आप हर पकौड़ों के साथ, समोसों के साथ और दही बड़ों में डाल के बहुत इन्जॉय करें इसके साथ ना। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी चटनी और दही बड़ा मसाला पसंद आया है तो आप लोग मुझे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।